सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से सवालों के घेरे में सलमान खान। क्या है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का सलमान खान कनेक्शन? इस वीडियो में हम आपको वो चौंकाने वाला खुलासा बताएंगे जो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ा है और इसका एक तार सलमान खान के पास भी जाता है। कहा जाता है कि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत को पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी फिल्मों में भी नहीं लेते थे। सोर्सेस के मुताबिक सलमान खान फिल्म्स ने सुशांत सिंह राजपूत की अपनी फिल्मों में एंट्री पर बैन लगा दिया था। इसका सीधा मतलब है कि सुशांत जिंदगी में कभी सलमान की फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाते। सलमान खान के अलावा यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नाडियाडवाला, टी सीरीज, दिनेश विजन फिल्म्स और बालाजी फिल्म्स ने भी उन्हें बैन कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं डायरेक्टर और फिल्म प्रोडक्शन की वजह से सुशांत सिंह को 6 फिल्मों से बाहर भी करवा दिया गया और जिस अवार्ड शो में बड़े स्टार्स होते थे वहां उन्हें बुलाया जाना बंद कर दिया गया। अब ये बड़े स्टार कौन होंगे ये समझना मुश्किल नहीं। वैसे सलमान खान और सुशांत सिंह की बनती नहीं थी और उस वक्त भी ऐसा सामने आया जब सलमान खान ने उन्हें बुरी तरह डांटा था। सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को एक बार फोन लगाया था और कड़ी फटकार लगाई थी। सुशांत सिंह सलमान के ओहदे से डर गए और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। बताया जाता है कि सलमान खान ने सूरज पंचोली के कहने पर सुशांत को डांट लगाई थी और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि सुशांत सिंह सूरज पंचोली से अच्छी तरह नहीं मिलते थे। बस फिर क्या था, सलमान खान का पारा चढ़ गया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत सिंह राजपूत पर सलमान खान का खौफ किस तरह हावी था उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक कुछ शो में वो पहुंचे तो वहाँ उनसे सलमान खान से जुड़ी एक बात कही गई। रैपिड फायर राउंड के दौरान सुशांत से पूछा गया कि अगर उन्हें एक दिन के लिए सलमान खान के रूप में ट्रांसफॉर्म होना हो तब वो क्या करना चाहेंगे। सुशांत ये सुनकर ठहर गए। उनसे फिर यही सवाल रिपीट किया गया तो उन्होंने एक लाइन कही, अगर वो इसका जवाब देंगे तो फिर सलमान खान से पिट जाएंगे। यानी सुशांत सिंह राजपूत और सलमान के रिश्ते ठीक नहीं थे। इस सिलसिले में कुछ महीने पहले मूवी रिव्यूअर केआरके ने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्मों में एंट्री पर बैन कर दिया गया जिसमें सलमान खान भी हैं और इस वजह से अब वो सिर्फ वेब सीरीज ही करेंगे या फिर टीवी पर ही लौटेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत संजय लीला भंसाली की रामलीला में फर्स्ट चॉइस थे लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उन्हें करार में बंधा होने की वजह से फिल्म नहीं करने दी। इसी तरह बेफिक्रे से भी सुशांत सिंह राजपूत को बाहर कर दिया गया। सुशांत सिंह से वादा किया गया कि वो शेखर कपूर के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिसका नाम है पानी। सुशांत सिंह ने इसके लिए कड़ी मेहनत भी शुरू की मगर 2 साल बाद सुशांत को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। बॉलीवुड के इस गैंग पर उन्होंने एक बार खुलकर भड़ास भी निकाली थी। So yeah, so you can't do anything about it. But yes, if so, nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day.